सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और सिंथेटिक फैब्रिक लिया है। कॉटन का फैब्रिक है वो है 1 मीटर और सिंथेटिक फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को सिंगल बिछाया है जिसकी लेंथ हमने ली है 29 इंचेस और चौड़ाई 38 इंचेस। इसे इस तरह 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 5 1/2 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 5 1/2 इंचेस मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 8 इंचेस। और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7 1/2 इंचेस। यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस कॉर्नर में हल्का सा राउंड शेप देना है। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसे कट करेंगे। इस तरह हमने 2 पार्ट कट कर लिया है। दोनों पार्ट का सेंटर में हमने मार्क कर लिया है। सेंटर मार्क है, यहाँ से नीचे हम नेक की लेंथ लेंगे 5 इंचेस मार्क करेंगे और नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस। यहाँ से हम नेक का शेप देते हुए आर्म होल तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का आर्म होल इसे कट करेंगे हल्का सा राउंड शेप देते हुए। इस तरह 2 पार्ट हमने कट कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह 1 साइड शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्ट्रेप अटैच करेंगे जो हमने क्रॉस में काटी है। इसे राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करना है। 1 साइड का आर्म होल हमने अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट में हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे पिंक कलर का फैब्रिक का स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और लेंथ हमने 22 इंचेस लिया है। इसे 2 फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। दोनों बेल्ट को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब आर्म होल से नीचे 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरफ भी 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद दोनों बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट अटैच हो जाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। वन इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह हमने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे।
इस तरह इस फ्रॉक को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट में हम रफल अटैच करेंगे राउंड में। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रीप ली है जिसकी चौड़ाई है 6.5 इंचिस और इसकी लेंथ हमने ली है 52 इंचिस। स्ट्रीप के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने ऊपर बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब वन साइड से हमें एक धागे को अलग करके इस तरह खींचना है, वेदरिंग बनानी है। इस तरह हमने गैदरिंग बना ली है। अब इस राउंड में हम इस रफल को अटैच करेंगे। इसके पहले हम इस बैक और फ्रंट पार्ट का नेक राउंड शेप को मेज़रमेंट कर लेते हैं। इसकी लेंथ 25 इंचिस, इसकी लेंथ है। अब इस गैदरिंग की भी लेंथ हम ले लेंगे। हमारी गोलाई की लेंथ है। अब फिर से हम इस धागे को खींच कम करेंगे और हमने यहाँ पे 25 इंचिस की गैदरिंग बना ली है। अब दोनों तरफ के बॉर्डर को मिलाना है और सिलाई लगानी है। अब इस रफल को नेक पे अटैच करेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट में राइट साइड से अटैच करेंगे। रफल को अटैच कर लिया है। अब नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई हमने ली है 25 इंचिस। यह स्ट्रिप को हमने क्रॉस में काटी है। दोनों लेयर को मिलाते हुए इसे बॉर्डर को सिलाई लगानी है। इसके बाद इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड से अटैच करना है पूरी गोलाई में। रॉन्ग साइड से अटैच हो जाने के बाद इस स्ट्रिप को राइट साइड टर्न करना है इस तरह और बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके इस तरह हम पूरी गोलाई में पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह नेक में हमने पाइपिंग बना ली है। ये है बैक पार्ट। तो इस तरह हमने फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक रेडी कर लिया है 3 to 4 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।